ये देखिए आज हमने बनाई है सूजी का ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। तो उसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सूजी, हमने लिया है कटी हुई बीन्स, कटी हुई सेम, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और हमने लिया है कटी हुई धनिया पत्ती और कटी हुई हरी मिर्च और हमने लिया है बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई टमाटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने सूजी ली है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई सेम और हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स और हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ गाजर और हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च और हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई धनिया पत्ती और हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई टमाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। देखिए इसे रेस्ट होते हुए 15 मिनट हो चुका है और सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और बैटर बनकर रेडी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हमने एक पैन में तेल गर्म कर लिया है, अब हम अपना तैयार करा हुआ बैटर इसमें डाल देंगे और हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर एक साइड से पकने देंगे। ये देखिए एक साइड से पक चुका है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। और अब हम इसे अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सभी को तैयार कर लिए है। ये देखिए सूजी का ब्रेकफास्ट रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।